हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज़ मनीष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बी लेक्चर्स तो गाइस आप सभी का कोड बीज एडवाइ सीटी वन थ्री वन बुक का कोड है एंड बुक का नाम एनिमल डाइवर्सिटी है और इसका जो पार्ट वन वीडियो आप सभी ने मैं भी देख लिया हो जिन्होंने नहीं देखा है उनसे मेरी गुजारिश है रिक्वेस्ट है कि वो जाके सबसे पहले पार्ट वन को देखें ठीक है एनिमल डाइवर्सिटी के एंड देन क्या है uh, इस यूनिट फर्स्ट का चैप्टर का नाम क्या है आपका यूनिट वन का नाम क्या है एनिमल लाइफ प्रोटेस्ट यानी प्रोटोजोन्स को हम स्टडी करने वाले थे हमने करा भी था कुछ टॉपिक में उसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में हमने समझा क्लासिफाई नहीं करा हाँ एक ग्रुप को हमने एग्जिक जो है ग्रुप है सुपर ग्रुप है उसको हमने क्लासिफाई करा एंड देन क्या है उसके क्लासीफिकेशन को भी समझा एंड इंट्रोडक्शन को भी हमने अच्छे से एक तरीके से पढ़ लिया है ठीक है तो देन हमारा क्या है हमारा क्या रह गया था फर्स्ट uh, पार्ट में तो हम इसको सेकंड पार्ट में कवर करेंगे तो देखिए क्या है सुपर ग्रुप सार की बात कर रहे हैं हम क्या है एस ए आर सार की बात करेंगे सारेड तो गाइस सारेड को आज हम पढ़ने वाले हैं सार्लेड क्या है तो देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं सार्लेड जो है हैज़ बीन प्रपोज रिसेंटली यानी हाल ही में इसको प्रपोज किया गया है यानी देखा जाए तो 2012 का जो समय है एरा है इसको हमने क्या करा रिप्रेजेंट करा एक तरीके से क्लासिफाई करा सुपर ग्रुप को ढूंढ निकाला देखिए वो किस पे बेस था तो होल जीनोम डीएनए जो है जो सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस जो किया जाता है होल जीनोम डीएनए सीक्वेंस उसको हमने एनालिसिस करा उसको हमने देखा उसके डीएनए सीक्वेंस को देखा इस तरीके से होता है ना डीएनए सीक्वेंस कहाँ चले गए हम देखिए तो इस तरीके से डीएनए इस तरीके से ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना ये इस तरीके से इसके डीएनए को हमने क्या करा सीक्वेंस करा एक तरीके से हमने डीएनए को सीक्वेंसिफाई करा एंड देन उसको एनालिसिस करके फिर ये रिवील हुआ कि ये जो थ्री मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटेस्ट के कौन कौन थे कौन कौन से स्ट्रेम एंड पा, पा, क्या है एल्वियोलेटा एंड राइजेरिया ये क्या है एस ए आर आपके किस ग्रुप से मिल बनते है? सुपर ग्रुप तो स्ट्रेम एनो एल्वियोलेटा एंड राइजेरिया ये मिल के क्या बनाते हैं एक साथ मिल के इस सुपर ग्रुप का क्या करते हैं निर्माण करते हैं एक तरीके से आ, बनाते हैं इसे देखिए क्या है दिस इज़ क्या है ये हाईली डाइवर्स मिलेगा इसमें कलेक्शन ऑफ प्रोटेस्ट की बात करें तो इसमें जो तीन मेजर ग्रुप है स्ट्रेमेनोपिला जो इंक्लूड करता है फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक एंड गोल्डन एंड ब्राउन एलगी ठीक है जो कि ये क्या है मेनली हम डील किस में करते हैं जब हम प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ते हैं प्लांट डाइवर्सिटी हमने जो पढ़ा है उसमें हम डील करते हैं है ना जो फोटोसिंथेटिक वाले यानी बॉडनी में हम ये से पढ़ते हैं लेकिन बात करें द प्रोटोजोन मेंबर जो प्लेस होता है एंड रेजेरिया में ये हमें इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन हमें दिया हुआ है तो इसको हमें पढ़ेंगे देखिए क्या पिला जो है ये आपका अनरैंक्ड है अनरैंक्ड सुपर ग्रुप का है यानी ये फाइलम नहीं है फाइलम से पहले का है ये ठीक है फाइलम से पहले का है तो देखिए क्या है इस मेंबर जो है इस ग्रुप के जो मेंबर हैं इसमें क्या है आपको ट्यूबुलर माइक्रोकॉन्डल क्रिस्टाई मिलेगा क्या बोले क्रिस्टाई मिलेगा जो कि क्या होगा फ्लैगलेटेड होते हैं क्या होते हैं फ्लैगलेटेड होते हैं अन पे दो डिफरेंट फ्लैगला होता है एक जो होता है आपका लॉन्ग होता है दूसरा क्या हो रहा है हेयरी होता है हेयरी यानी वी प्लास वाला जो हमने पढ़ा है वी प्लास फ्लैगला होता है एंड यह है अदर आपका क्या होगा शॉर्ट एंड स्मूथ होगा दूसरा क्या होगा छोटा होगा साइज़ में और उसमें क्या होगी स्मूदनेस देखने को मिलेगी हमें बोथ इंसर्टेड किसमें होते हैं एंटीरियर एंड में यानी जो उसका एंटीरियर एंड होता है पिछला भाग होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा ये जो क्लेड है ये जो वंस है एक तरीके से प्रोटेस्टा का एक तरीके से एंसेस्टर है वो क्या है इंक्लूड करता है ब्राउन एल्गी को येलो एल्गी को डायटम को जो कि कलेक्ट करते हैं अपनी एनर्जी कहाँ से तो प्लास्टिक से एनर्जी कलेक्ट करते हैं कहाँ से गाइज प्लास्टिड से क्योंकि ये क्या है फोटोसिंथेटिकल क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म है फोटोसिंथेटिकल uh, है? है हाँ तो ये क्या है प्लास्टिड से क्या करते हैं अपनी एनर्जी कलेक्ट करते हैं है ना तो देखिए क्या है वी विल नॉट बी एलेबोरेटिंग ऑन दिस ग्रुप्स इन दिस यूनिट हम क्या है इसको एलोबोरेट नहीं करेंगे इस यूनिट में क्योंकि आप देख के समझ रहे हैं क्योंकि ये बॉटनी से रिलेट ज्यादा करता है एज कंपेयर देन जुलोजी है तो हम इसे बॉटनी में हमने पढ़ा भी है इसके बारे में है तो आप बॉटनी वाला जिन जिन्होंने जिन, चैप्टर नहीं पढ़ा वो जाके पढ़ सकते हैं हाई एवर ओपन क्या है ओपलट्स डेट वर वॉट एज मोडिफाइड सीलेट डेट आर कमें फ्रॉग क्या है कि ये जो आपके जो ओपलानिट्स हैं ओपलैनट ये क्या है ये ए, ए, एक एक तरीके से मॉडिफाई किए गए सिलिएट्स में जो कि एक तरीके से कमेंसल्स के रूप में होते हैं फ्रॉग में एज अ पैरासाइट इसके अंदर आपको मिल जाएंगे ठीक है ये पेन को ज्यादा मोटा चल रहा है हां तो देखिए और ये जो कमेंसल्स जो हैं इसे प्लेस किया गया है इस ग्रुप में ठीक है इस ग्रुप में जो इसके कमेंसल्स हैं इसको ग्रुप में प्लेस किया गया है हम मॉलिकुलर फाइलोजनिस की बात करें वो सपोर्ट क्या करता है प्लेसमेंट ऑफ हेलीजोन्स हेलीजोंस क्या होते हैं तो देखिए वो जो जीनस जो मतलब एक्टिनो फायरस हो गए आपके और क्या हो गए एक्टिनो स्फेरियम हो गए जो कि अर्लियर इंड्यूस किए जाते थे अमीबाज में क्या अमीबाज में तो आपके हेलीजोन समझ में आ गए एक तरीके से आ, ये प्लेसमेंट है क्या है प्लेसमेंट मोलिकुलर फाइलोजनी हैव सपोर्टेड द प्लेसमेंट ऑफ हेलीजोन्स हेलीजोन्स के प्लेसमेंट है एंड देखिए क्या है विथ स्टेमेनो पाइल्स ठीक है अब बात करेंगे हम एल्विओलेटा की बात करेंगे एल्विओलेटा इसको हम क्या है अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक है ये हमारा मेन टॉपिक भी है और ये क्या है इसको हम बॉटन ये जूलॉजी से भी रिलेट करता है इसकी मेम्ब्रेन की बात करें इन इनक्लोज होता है सेक्स ऑफ या फिर एल्वियोली एल्वियोली जो इसमें प्रेजेंट होते हैं उस आ, किसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो ये क्या होता है इसके मेम्रेन इंक्लूज होते हैं एलवियोली के थ्रू एक तरीके से बंद होते हैं ठीक है देन बात करें दे इंक्लूड बोथ फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक प्रोटेस्टिस यानी ये क्या है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको फोटोसिंथेटिक भी मिलेगा देखने को एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगा इस प्रोटेस्टिस में इसमें तीन इंपॉर्टेंट क्या है आपको एलवियोलेट्स मिल जाएंगे देखने को यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक साइड में लिखा है नॉकटिव क्या है नॉक्टिलुका है वो क्या है सेम कंपाउंड है जो कि आपके फायर फ्लाइज या फिर लूसीफरन में आपको देखने को मिलते हैं ये क्या करते हैं मेक्स इट ग्लो एंड वैन मिलियंस ऑफ दिस प्रोटेस्ट फ्लोट दीज फ्रॉम द स्पेक्टेकुलर ग्लोइंग टाइट्स क्या है ये क्या करते हैं एक तरीके से ग्लो करते हैं और क्या होता है जब मिलियंस ऑफ जो ये प्रोटेस्ट जब फ्लोट करते हैं तो इसमें क्या है स्पेक्टेकुलर ग्लोइंग टाइट्स आपको देखने को मिलता है ठीक है तो देन देखिए क्या है फाइलम सिलोफोरा की बात कर रहे हैं हम क्या है फाइलम सिलोफोरा जो कि अनरैंक्ड एलिटा का है इसमें क्या है कि सीलिएट्स जो कि मेनली क्या है इसको हम सीलिएट्स नाम देते हैं क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है सीलिया प्रेजेंट होता है जो कि सीलिया इसको क्या करता है कवर करता है सीलिया क्या होते है? अ, 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 हैं मोमेंट में मदद करता है है ना सीलिया जस्ट लाइक फ्लैगला जैसे मोवमेंट में हेल्प करता है इसी तरह सीलियट्स भी सीलिया भी आपका क्या है मोवमेंट में हेल्प करता है तो देन देखते हैं अभी हम स्ट्रक्चरल सिस्टम की बात करें क्या होता है फाइबर से बना होता है अलॉन्ग विद द कानेटोजोम्स और इसके अंदर आपको कानेटोजोम्स भी आपको मिल जाएंगे यानी बेसल बॉडी जो होते हैं सीलिया को उसको हम क्या कहते हैं कानेटोजोम्स याद रखिएगा जो बेसल बॉडी होता है सीलिया का वो क्या कहलाता है कैनेटोजोम कहलाता है मोर द इनफ्रा सिलियेचर क्या है सॉरी इंट्रा इंट्रास्लेचर जस्ट बिनीत द पेलीकल क्या होता है जस्ट ये जो इन ये क्या है इंट्रा इंफ्रास्लेचर जो है हैचर जो है आपका क्या है आपका जस्ट बिनीत होता है पेलीकल के नीचे होता है ये क्या होता है पेलीकल के नीचे पेलीकल जस्ट क्या है मेम्रेन ये क्या है प्रेजेंट होता है आपका फ्रेश वाटर में मरीन हैबिटेट में आपको मिल जाएगा और आपको मॉइस्ट सॉइल में मिल जाएगा जहाँ पे जिस मिट्टी में नमी हो एंड uh, देन क्या है ये फ्री लिविंग होते हैं पैरासाइटिक भी होते हैं एंड सिम्बायोटिक भी होते हैं यानी दूसरों पे भी uh, क्या होते हैं डिपेंडेंट होते हैं ठीक है एंड देन देखिए क्या है द मोस्ट कॉमन सिलियट जो यूज किया जाता है स्टडी मटेरियल के लिए हम जब लैब में पढ़ते हैं तो वो है आपका पैरामीशियम पैरामीशियम जो है आपका दिखाया गया है फिगर 1.5 में यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको ये रहा आपका पैरामीशियम का फिगर ठीक है ये यहाँ पे डायग्रामेटिक यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे माइक्रो न्यूक्लियस है और एक माइक्रो न्यूक्लिस मैक्रो न्यूक्लियस यानी दो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है एक क्या है बड़ा न्यूक्लियस है और एक थोड़ा छोटा यानी बहुत छोटा है यहाँ पे आप ओरल ग्रुप देख रहे हैं है, यह यहाँ पे ये तो ओरल ग्रुप है यहाँ से फीडिंग करता होगा मे बी एंड देन देखिए क्या ये बहुत सारे यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं आपके साइड 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 है ना ये क्या है सीलिया है जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करता है एंड देन यहाँ पे वैक्यूल देख रहे हैं ये स्टार शेप में ये क्या करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ये क्या होता है सिकुड़ता है एंड देन क्या होता है सरिंक uh, भी होता है एंड साइज uh, अपना इंक्रीज भी कर लेता है देन बात करें ये फूड वैक्यूल है इसमें क्या है जो भी फूड मटेरियल होते हैं ये सारे फूड वैक्यूल में आके स्टोर होते हैं तो देन यहाँ पे देखिए समझते हैं और अच्छे से हम तो इसकी जो फीचर्स की बात करें तो सिंपली अभी हमने जो पिक्चर में दिखा है इसमें क्या है दो न्यूक्लाई होते हैं एक आपका जो लार्ज वाला होता है वो माइक्रो न्यूक्लियस कहलाता है एंड छोटा वाला आपका माइक्रो न्यूक्लियस कहलाता है माइक्रो न्यू न्यूक्लियस नू, जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए जो फंक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का जो भी फंक्शन होता है उसमें माइक्रो न्यूक्लियस क्या करता है रिस्पॉन्सिबल होता है हम बात करें माइक्रो न्यूक्लियस की तो वो क्या होता है डाइप्लॉइड होता है और इन्वॉल्व होता है किसमें रिप्रोडक्शन में क्या होता है जब वो क्या होता है कि जब सिलोफोरा या मैं बोलूँ पैरामीशियम क्या होता है रिप्रोडक्शन कर रहा होता है तो देन क्या है उसमें आ, क्या है ये माइक्रो न्यूक्लियस ही इन्वॉल्व करता है क्योंकि ये डायप्लॉयड होता है क्या होता है डायप्लॉयड सेल होता है, है ना इट हैज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है यानी कंजुगेशन कंजुगेशन के बारे में हमने पढ़ा है ना कंजुगेशन है जिसमें से आ, हमने बैक्टीरिया में कंजुगेशन के बारे में पढ़ा था इसमें क्या होता है जो एक आपका एक्स्ट्रा क्या होता है प्लाज्मिड नहीं प्लास्टिड प्लाज्मिड्स होते हैं प्लाज्मिड्स क्या होता है बाहर निकल के वो दूसरे में चला जाता है दूसरे वाले सेल में एंड देन उसके साथ फ्यूज़न कर लेता है तो कुछ इस तरीके से कंजुगेशन प्रोसेस होता है जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया है एक और चीज़ वन जो सेक्शन है यहाँ पर नहीं है मे बी होगा आगे होगा तो इसमें दिखाया गया कि दो सेल क्या है लाइन अप होते हैं न्यूक्लाई आर क्या होते हैं एक्सचेंज अक्ष, होते हैं मैंने बताया जो माइक्रो न्यूक्लाई क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में तो इसमें से माइक्रो न्यूक्लाई निकल के दूसरे ये क्या कहते हैं ये इस तरीके का होता है ना इस तरीके से होते हैं ये क्या है ये आपका पैरामीशियम है क्या ये पैरामीशियम है तो पैरामीशियम से इस तरीके से जो माइक्रो न्यूक्लाई है वो निकल के दूसरे वाले माइक्रो न्यूक्लाई में आ जाता है तो कुछ इस तरीके से होता है है ना और वो क्या है आ, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाता है यानी इसमें क्या है इसका जो साइटोप्लाज्म होता है एक दूसरे के संपर्क में आता है एक ब्रिज सा फॉर्मेशन करता है दोनों सेल के बीच में और वो क्या करते हैं अपने माइक्रोन्यूक्लाई को एक्सचेंज कर लेते हैं ठीक है बात आगे समझ में आपको क्या करते हैं इसमें एक ब्रिज बनाते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाते हैं दोनों सेल के बिटवीन और क्या है अपना जो माइक्रो न्यूक्लाई है ये जो माइक्रो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको यहाँ पे है इसका क्या कर लेते हैं एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में हैं ये माइक्रो न्यूक्लाई है और ये छोटे वाले माइक्रो न्यूक्लाई माइक्रो न्यूक्लाई को एक्सचेंज कर लेते हैं ठीक है यहाँ पे हायर पावर के थ्रू ये देखिए डायम ये वाला जो ए वाला जो आपको दिखाया गया है ये क्या है पैरामेसियम एस पी अंडर हाई पावर में दिखाया गया है ठीक है ये जो आपका माइक्रोस्कोपिक एकदम ये रियल इमेज है ठीक है और ये तो आपका सेकंड वाला डायग्राम डायग्रामेटिक था एंड देन बात करें हम फाइलम डायनोफ्लेगलेटा की बात करें इसमें जो मोस्ट ऑफ स्पीसीज हैं वो आपको कहाँ पे मिल जाएंगे आ, ओशन में मिल जाएंगे यानी ड्वेलिंग प्लैंकटॉन होते हैं ये थ्रू सम और फ्रेश फ्रेश वाटर ड्वेलर कुछ क्या होते हैं ड्वेलिंग प्लैंकटॉन होते हैं और कुछ क्या होते हैं फ्रेश वाटर ड्वेलर्स भी होते हैं ये सेल्स जो होते हैं नेक्ड होते हैं क्या होते है? नेक्ड हैं नेक्ड होते हैं इनके पास क्या होता है कवर लेयर या फिर कवर सेल नहीं होती है एंड बात करें ये टिपिकली रेन होते हैं क्या होते हैं टिपिकली रेन हैं किससे बताइए ये होते हैं सेल्यूलोजिक प्लेट्स रेन कहने का मतलब घुसे हुए होते हैं एक तरीके से धसे हुए होते हैं है ना उसी को कहा गया है रेन फोर्स है एंड देन देखिए क्या है डायनो फ्लेगलेट्स आर आ, क्या है डिस्टेंगे अरेंजमेंट ऑफ टू फ्लैगला यानी जो डायनो फ्लेग्लेट्स जो होते हैं उसको डिस्टेंगे किस बेसिस पे किया जाता है तो जो दो फ्लैगला होते हैं ना उसके बेसिस पे क्या करते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं अरेंजमेंट्स होते हैं उसको आ, उसके दो फ्लैगला के uh, क्या है बेसिस पे हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते, है, करते हैं डिस्टिंग uh, करते हैं फ्रेश वाटर डेलर्स की बात कर रहा था ना मैं यहाँ पे ड्वेलर्स का मतलब होता है आ, मतलब फ्रेश वाटर में रहने वाले जो डायनोफ्लैगलेटा है उसकी बात की जा रही है एंड देन देखिए क्या है एक फ्लैगलम जो होता है एक सिंगुलर फ्लैगला को हम फ्लैगलम कहते हैं क्या कहते हैं सिंगुलर फ्लैगला को फ्लैगलम कहते हैं वो प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ दी सेल क्या होता है वो सेल के थोड़ा सा बाहर होता है एंड अदर इज लोकेटेड एट अ ग्रुप ऑन द बॉडी ऑफ दी क्या है साइड ऑफ द बॉडी दूसरा क्या है वो साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है ये जो दोनों फ्लैगला होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं क्या होता है जब सेल रोटेट करता है या मूवमेंट करता है इट मूव्स बाय द एक्शन ऑफ द फ्लैगला क्या है एक्शन जो फ्लैगला का जो एक्शन होता है या मैं बोलू फ्लेगला क्या मोशन करता है देन उसमें क्या है सेल रोटेशन देखने को मिलता है रफली हाफ ऑफ द डायनो फ्लेग्लेट्स आर स्पीसीज आर प्योरली हेट्रोट्रॉपिक अगर मैं कहूं डायग्नोफ्लेगलेट्स uh, की बात करूं तो उसमें से आधे स्पीसीज वैसे हैं जो की प्योरली आपको क्या मिल जाएंगे हेट्रोट्रॉफिक मिल जाएंगे ठीक है और जो बहुत से हैं वो आपको फोटोसिंथेटिक स्पीशीज मिल जाएंगे यानी ये क्या है मिक्सोट्राफी यानी हेट्रोट्रॉफिक भी है एंड फोटोट्रॉफिक भी न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं एंड बात करें हम सम स्पीशीज जो कि क्या है इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे प्राइमरी एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह ठीक है यानी जब क्या होता है पीरियड ऑफ एक्सप्लोजिव रिप्रोडक्शन यानी जब इसमें क्या है एक्सप्लोजिव यानी बहुत सारा क्या है आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा इनमें रिप्रोडक्शन बढ़ जाता है तो इसमें एक फिनोमिना काज होता है जिसको हम क्या कहते हैं रेड ब्लूम और ये क्या कर देता है टॉक्सीफाई कर देता है यानी टॉक्सिक कर देता है वाटर को है? और इसमें जो इनवर्टिब्रेड्स होते हैं या फिशेज होते हैं उनको क्या करता है एक तरीके से नुकसान पहुंचाता है मारे भी जाते हैं मछलियाँ वगैरह क्योंकि ये सारे जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं जो टॉक्सिक जो मेटल होता है वो जो निकालता है देन उससे क्या होता है इन्वर्टिवरेट फिस वगैरह माने जाते हैं यहाँ पे कुछ डायनोफ्लैगलेट्स दे रखे हैं तो ये देखिए ये ये क्या है नॉकटल्युका है ये नॉकटोलोका एक डायनोफ्लैगलेट है एंड आ, आ, आपका ये देखिए बायो क्या है बायोल्युमिनसेंट डायनोफ्लैगलेट दी। इसका असल में नाम क्या है बायोल्युमिनसेंट थी डायनोफ्लैगलेट ये क्या है चमकता है हाँ, इसमें क्या है आपको लॉन्ग लॉन्ग स्पाइन देखने को मिलेंगे जो कांटे दिख रहे हैं ना आपको लॉन्ग स्पाइन देखने को मिल रहे हैं ना इस तरीके से तो ये क्या है स्पाइन होते हैं इसमें जो कि इसे एक थिक कवर इसके ऊपर रहता है साइटोप्लाज्म के ऊपर हाँ, और ये क्या करता है फूड को कैसे कैच करता है तो एक्सटेंडिंग सूडोपोडिया यानी इसके बीच में क्या है जो प्लेट्स होते हैं बिटवीन द प्लेट्स इसके ये जो प्लेट्स के बीच में क्या है बिटवीन सूडोपोडिक मोशन होता है सूडोपोडिया आपका क्या होता है फॉल्स फीड होता है हमने बहुत बार पढ़ा है सूडो क्या है शूडो पोडिया पोडिया ठीक है यानी सूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मीन्स होता है फीट ठीक है जिसके फॉल्स फीट होते हैं वो क्या होते हैं सूडोपोडिक होते हैं और ज़्यादातर हमारे प्रोटोजोन्स क्या देखने को मिलेंगे सूडोपोडिक मिलेंगे है ना तो ये देखिए जिनके पास फ्लैगलास प्रेजेंट नहीं होते वो सूडोपॉडिक होते हैं है ना तो इसमें क्या है इनके प्लेट्स के बीच में क्या है इसमें सूडोपॉडिक मूवमेंट होता है तभी वो क्या करते हैं क्या करते हैं अपने फूड को कैच कर पाते हैं हम बात करें फाइल फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा की बात करें तो इसमें सारे जो स्पीसीज़ हैं वो क्या होते हैं पैरासाइटिक होते हैं एंड स्पेशलाइज स्पेशलाइज्ड फॉर लिविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इन एनिमल टिश्यू और वो इस तरीके से उसका टिश्यू जो ये क्या कहते हैं आ, सेल स्पेशलाइज होता है जो कि क्या है एनिमल टिश्यू के टिशू के अंदर भी वो क्या कर सके रह सके और रिप्रो रिप्रोड्यूस कर सके ठीक है बात समझ रहे हैं ना आप तो यानी एक तरीके से ये क्या है इन्फेक्सिस स्टेज में चला जाता है और वो कौन सा स्टेज होता है वो कहलाता है स्पोरोजाइड कहलाता है क्या कहलाता है स्पोरोजाइट तो स्पोरोजाइट क्या है स्पोरोजाइट क्या है एक सिस्टम है उसके पास जिसमें क्या? क्या है ऑनग्लेज आर एट वन एंड ऑफ द एपिकल कॉम्प्लेक्स क्या है जो इसका जो ऑर्गेनाइज होता है एक एंड में उसको हम क्या कहते हैं एपिकल कॉम्प्लेक्स कहते हैं डेट इज़ यूजली प्रेजेंट इन सम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड अलाउज द एपिक कॉम्प्लेक्स एंड पैरासाइट टू पेनेट्रेट द होस्ट सेल मेम्ब्रेन यानी इसमें कहने का मतलब ये है ये यूजुअली क्या है कि वो कब होता है आपको देखने के बता जब वो डेवलपमेंट स्टेज में होता है क्या स्पोरोसाइड क्या होते हैं जब डेवलपमेंट स्टेज में आपका आपके होते हैं तो वो एक तरीके से अलाउ करता है एपी कॉम्प्लेक्सेंस को एज अ पैरासाइट क्या है वो पेनेट्रेट करता है होस्ट का जो भी सेल मेम्ब्रेन होता है यानी एनिमल टिश्यू का क्या होता है ये मान लीजिए कि एनिमल टिश्यू है एनिमल टिश्यू में जो सेल है उसको क्या है पेनेट्रेट करने के लिए वो क्या है उसके अंदर आपको क्या है एपी कॉम्प्लेक्सेंस देखने को मिलेंगे ठीक है तो वो क्या करते हैं पैनेट्रेट कर देते हैं यानी छेद कर देते हैं छेद करके अंदर घुस जाते हैं ऑल दो एपी कॉम्प्लेक्सेंस आर नॉट फोटोसिंथेटिक यानी क्या है कि ऑल दो एपी कॉम्प्लेक्सेंस आर क्या है फोटोसिंथेटिक नहीं होते एंड क्या है दे रिटेन मॉडिफाइड क्या है क्योंकि देख लीजिए क्या लिव किस पे कर रहे हैं एनिमल टिश्यू में आ, क्या कहते हैं लिविंग रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं तो सिंपली वो उस पर सनलाइट नहीं पड़ता देन उसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा देन वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होंगे यानी पूरी तरह से हेड्रोट्रॉफिक हैं क्योंकि ये पैरासाइटिक होते हैं पैरासाइटिक होते हैं एंड क्या है ये फोटो नहीं होते इसलिए ये क्या है रिटर्न करते हैं मॉडिफाई मॉडिफाइड प्लास्टिड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या है मॉडिफाइड प्लास्टिड होते हैं जो कि सजेस्ट करता है इसके एलगल और जिनको क्या करता है यानी जो भी इसका अगर हम बात करें एपी कॉम्प्लेक्सा की तो इसकी ऑरिजिन देखे तो ये एलगा एलगी यानी एलगी से ये ऑरिजिन इसका जो ओरिजिनेशन हुआ है या मैं बोलूँ क्या है ये निकला है मतलब बना है ये ऑरिजिन से मतलब आ, क्या कहेंगे हम इसे इवॉल्व हुआ है ना ये क्या है एलगी से ही इवॉल्व हुआ है ठीक है ऐसा आप समझ सकते हैं मोस्ट एपिक कॉम्प्लेक्शन जो है वो एलोबरेट करते हैं लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग वन और टू होस्ट यानी एक या फिर दो होस्ट में वो इन्वॉल्व करते हैं देन देखिए क्या है हम गैर गेरे, ग्रेगरना की बात कर रहे हैं ये क्या होते हैं मैच्योर मैच्योर गैमोन्ट्स होते हैं यानी इंडिविजुअल डेट प्रोड्यूस गैमेट्स यानी एक अकेला ऑर्गेनिज्म ही क्या कर सकता है गैमेट्स को प्रोड्यूस कर सकता है ठीक है मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों इंट्रा सेलर सॉरी एक्स्ट्रा सेलर पैरासाइट्स एक्स्ट्रा सेलुरर पैरासाइट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक और बॉडी कैविटी ऑफ इन्वर्टिव क्या है जो एक्स्ट्रा सेलुरर पैरासाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक में भी या फिर बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं इन्वर्टिव के मैच्योर गेमाउंट और लाइफ साइकिल जो होते हैं विथ वन ऑफ डाइजेस्ट ट्रैक और बॉडी बर्ड ठीक है इन्वर्टिव रेड्स के इन्वर्टिव रेड्स के अंदर आपको मिल जाएंगे इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो क्या होता है सिर्फ और सिर्फ एक होस्ट पे होता है यानी एक होस्ट पे ही वो अपने जीवन को खत्म कर यानी एक बार जब होस्ट मिल जाता है देन वो एक ही होस्ट में वो उसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल चलता है इसमें कौन कौन से हो गए तो मोनोसिस्टिस हो गया एंड ग्रेगेरिया हो गया क्या हो गया मोनोसिस्टिस एंड ग्रेगेरनिया हो गया दूसरा आपका क्लास है कौशी कॉसिडिया है. क्या है कॉसिडिया यानी इसमें जो मैच्योर गैमाउंट्स होते हैं उसमॉल होते हैं टिपिकली इंट्रा सेलर होते हैं और इसका लाइफ साइकिल होता है जो कि किन के साथ होता है दो होस्ट के साथ होता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो प्लाज्मोडियम का देखिएगा प्लाज्मोडियम का कैसे जैसे कि प्लाज्मोडियम जो है आपका जो मलेरिया मच्छर होता है क्या होता है मलेरिया जो होता है मलेरिया मच्छर होता है वो मलेरिया मच्छर क्या करता है वो सबसे पहले अपने लाइफ साइकिल में मॉस्क्यूटो जब होता है वो क्या करता है कैरी uh, करता है क्या करता है प्लाज्मोडियम को कैरी करता है प्लाज्मोडियम को प्लाज्मोडियम को कैरी करता है तो ये आपका क्या हो गया पहला होस्ट हो गया ये जो मलेरिया है वो फर्स्ट होस्ट हो गया क्या हो गया फर्स्ट होस्ट अब जब मलेरिया आपका ह्यूमन को क्या करता है बाइट करता है या मैं बोलूं काटता है मच्छर को काटता है तो ये क्या है प्लाज्मोडियम ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है एंड देन ये प्लाज्मोडियम का जो नया होस्ट बनेगा वो कौन बनेगा तो प्लाज्मोडियम का होस्ट बनेगा सेकंड ह्यूमन या एनिमल कह सकते हैं ये सेकंड होस्ट कहलाएगा क्या कहलाएगा इस सेकंड होस्ट तो आज समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से इनका जो लाइफ साइकिल है दो होस्ट के साथ परफॉर्म करता है हैं तो अनादर इंपॉर्टेंट डिजीज की बात करें तो एपी कॉम्प्लेक्शन एपी कॉम्प्लेक्शन आपका क्या है आ, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी जो आपका टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी होता है वो पैरासाइट होता है कैट्स के अंदर क्या होता है कैट्स के अंदर पैरासाइट हो जो कि इफेक्ट करता ह्यूमन को इफेक्ट कर सकता है मान लो कि किसी को बिल्ली काट ले तो ये पैरासाइट क्या है टैक्सो टैक्सोमो प्लाज्मा गोंडी जो है टैक्सो प्लाज्मा गोंडी है वो क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा यानी कैट से क्या हो जाएगा ये ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाएगा और ह्यूमन इम्पैक्ट हो जाएगा इफेक्ट हो जाएगा एंड देन वो एक तरीके से डिजीज से बीमार हो जाएगा देखिए क्या है ब्लड साइड ऑफ विद मलेरियल पैरासाइड जो प्लाज्मोडियम है वो किस तरीके से प्लाज्मोडियम फेलसी पैरम ये शो कर रखा है कि गैमेटोसाइट्स इनके किस तरीके से बनाते हैं देन देखिए क्या रिंग स्टेज यहाँ पे देखिए ये रिंग स्टेजेस में आपको किस तरीके रिंग फॉर्म कर रहे हैं है ना आर सी बीज में ये आर सी बीज है और यहाँ गैमेटोसाइट्स रिलीज कर रहे हैं तो इस तरीके से इनमें प्रोडक्शन आपको याद भी होगा कि माइटोसो सॉरी आपका प्लाज्मोडियम जो है प्लाज्मोडियम में क्या है बाइनरी फ्यूजन नहीं मिलता है इसमें किसमें मिलता है इसमें होता है बाइनरी फ्यूजन नहीं मल्टीपल फ्यूजन होता है क्या होता है मल्टीपल फ्यूजन uh, होता है मल्टीपल फ्यूजन जब ये रिप्रोडक्शन करता है असेक्सुअली रूप से तो इसमें जब फ्यूज़न होता है तो इसमें क्या है बहुत सारे एक बार में आपको ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हुए दिख सकते हैं बहुत छोटे 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 तो मल्टीपल फ्यूज़न होता है इसमें बात करते हैं हम तीसरा अनरैंक राइजेरिया की बात कर रहे हैं तो इसमें मैनी अमीबाज जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं इस ग्रुप को यानी ज़्यादातर जो अमीबाज़ होते हैं अमीबाज इस तरीके से स्ट्रक्चर

वो उससे थोड़े से अलग होते हैं देखिए फाइलम आ, इसमें हम इसी का राइजेरिया का ही हम फाइलम आ, क्या है सैरकोजुआ की बात करें क्या है सैरकोजुआ ये लार्ज ग्रुप ऑफ अमीबॉइड एंड फ्लैगलेटेड प्रोटोजोन्स कहलाता है इसमें क्या है नो कॉमन बॉडी आपको नहीं मिलेगा यानी प्लेन डेट फीड यूजिंग थ्रेड यानी थ्रेड यानी थ्रेड लाइक सुडोपोडिया है इसका बिना यूज किए वो क्या करते हो फीडिंग करते हो नहीं डेट नो कॉमन बॉडी प्लेन कॉमन बॉडी प्लेन नहीं होता उनका और कि वो यूज कर सके हाँ ठीक 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 तो देखिए क्या ये पाए कहाँ जाते हैं तो मरीन में पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं सॉइल इकोसिस्टम में भी पाए जाते हैं आर क्या है पैरासाइटिक होते हैं क्या है ज्यादातर आपके पैरासाइटिक मिलेंगे किसमें प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर यानी ये डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स और एनिमल में और अदर की बात करें अदर प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं मे मिक्सोट्रॉफिक यानी मिक्सोट्रॉफिक होते हैं एटलीस्ट वन यानी उनमें से कम से कम एक तो होता ही आपका फिर देखिए पोलीनेलिया पॉलीनेला की क्रोमेटोफोरा पॉलीनेला क्रोमेटोफोरा जो है वो आपका एक ऑटोट्रॉप हो गया का एग्जाम्पल हो गया जिसमें क्या है यूकेरटिक लिनेजेस डेट ऑफटेन इट्स फोटोसिंथेटिकोट फ्रॉमस साइनोबैक्टीरिया यानी जो इसका लिनेजेस की बात करें इसके वाली की बात करें जो इसका वंश रहा होगा यानी एंसेस्टर रहा होगा वो ऑफटेन जो कराए क्या चीज़ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो किससे है तो फोटोसिमथेटिक एप्रेटस किससे आया तो वो साइनोबैक्टीरिया से ऐसा माना जाता है कि साइनोबैक्टीरिया से ही इसके अंदर ये देखिए ये आपका क्या है ये आपका सैरको है क्या है सैरको जोआ है और इसके अंदर कभी ना कभी ये क्रोमेटो फोर इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर क्रोमेटो फोर है जो कि आपका क्या है आ, मदद करता है ऑटोट्राफिक न्यूट्रिशन में ठीक है यह आपका पोलेनेला क्रोमेटोफोरा है अब दैन बात करेंगे फाइलम क्या है ये फॉर्मेनी फेरा फेरा जो फाइलम है आपका वो क्या होता है या फिर फॉरम्स भी कह सकते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं फॉरम्स भी कह सकते हैं इसको ये नेम क्यों दिया गया क्योंकि इसके अंदर क्या होता है पोरस सेल होता है यानी पोरस सेल जिसको हम टेस्ट भी कहते हैं क्या कहते हैं टेस्ट भी कह सकते हैं शेल शेल सेल नहीं शेल शेल ठीक है सेल यानी कवर है ना पोरस कवर होता है जो कि क्या होता है उसे हार्डन करता है जो कि कैल्शियम का बना होता है क्या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ये सेल्स में भी क्या हो सकते हैं मेनी चैम्बर यानी इसमें मल्टी चैम्बर्स भी हो सकते हैं यानी इसमें बहुत सारे छोटे 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 चैम्बर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं मल्टीलॉक्यूलर भी कहते हैं क्या कहते हैं मल्टी भी कहते हैं या मान लीजिए अगर किसी में सिंगल चैम्बर यानी एक ही चैम्बर प्रेजेंट हो उसे क्या कहेंगे हम यूनिलोक्युलर कहेंगे क्या कहेंगे गाइस यूनिलॉक्युलर कहेंगे ये जो चैम्बर होते हैं सेपरेटेड करते हैं मतलब सेपरेटेड बाय पार्टीशन विद द स्मॉल एपरटस क्या है एपरटस एंड फॉर्मेना क्या है कि जो ये चैम्बर्स होते हैं सेपरेट करते हैं इसको पार्टीशन करते हैं जिसमें तो स्मॉल एपरेटस और या फिर फॉर्मिना में जिसको हम इसलिए हम इसको नाम भी देते हैं फॉर्मेनी इसका नेम देते हैं ठीक है जो सेल्स में क्या होते हैं बहुत सारे चैम्बर होते हैं जो कि बहुत सारे चैम्बर इसको पार्टीशन करते हैं यही कारण है कि इसका नाम फॉर्मिना या फिर फॉर्मेनी हमने रखा है इस बात करें इस लिविंग ऑर्गेनिज के तो फिल इट्स चैम्बर इन द सेल इसमें क्या है फिल ऑल द चैम्बर ये जो लिविंग ऑर्गेनिज है ये क्या करता है इस चैम्बर के अंदर आपको देखने को मिलेगा इस सेल चैंबर के अंदर है फिल करता है एंड देन देखिए क्या है मैनी ऑप्टेन देयर न्यूट्रेंट बहुत सारे जो ऐसे आ, क्या है स्पीसीज हैं जो कि अपने न्यूट्रिएंट्स को किस में ऑप्टेंट करते हैं किससे तो सेम बायोटिक रिलेशनशिप के माध्यम से यानी क्या होता है वो डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे से फूड एंड क्या करते हैं सेल्टर शेयर करते हैं फूड एंड सेल्टर शेयर करते हैं तो यही आपका होता है क्या होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है उनके बीच में तो फोटो सिंथेटिक एलगी डेट लिव इन देयर टेस्ट क्या है फोटोसिंथेटिक एलगी जो होता है वो किसमें लीव रहते हैं वो अपने टेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा टेस्ट यानी पोरस सेल की बात करें ठीक है बात करें फाउंड इन फ्रेश एंड मरीन वाटर ये क्या है फ्रेश और आपको मरीन वाटर में मिल जाएगा नाइन्टी परसेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इसके जो नाइन्टी परसेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो आपके क्या है फॉरम स्पीसीज है क्या है फॉरम स्पीसीज है इसके लिए हम इसके फॉसिल्स को ये मतलब ये जो कैसे पाए जाते हैं तो फॉसिल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं एंड फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक्स जो आपके क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं मरीन के अंदर यानी जो लैंड होता है वो क्या बनाते हैं मरीन सेडिमेंट होते हैं ना ये जाके जमीन के अ, सबस्ट्रेटम में या फिर मैं बोलूँ जमीन के सरफेस पे जाके चिपक जाता है और एक लेयर बना लेता है क्या बना लेता है लेयर बना लेता है जिसको हम क्या कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं ठीक है याद रखिएगा एंड देन देखिए यहाँ पे देखिए पिक्चर दे रखा है ये क्या है ग्लोबल रीना एस पी थर्ड लाइक सुडोपोडिया इसमें देखने को मिलेगा दे स्टार्ट इन वन फ्रॉम सेल एंड दे ग्रो दे डेवलप मोर चैम्बर्स क्या है एक बस सेल से स्टार्ट होते हैं ये ये जो देख रहे हैं आप एक सेल से स्टार्ट होते हैं एंड इसमें क्या है बहुत सारे चैम्बर्स बाद में जैसे जैसे डेवलप करते हैं इसमें ग्रो होने लगते हैं सम फॉर्म कुछ फॉरम कैसे होते हैं ये बी वाला जो आप देख रहे हैं ये बी वाला कुछ फॉर्म कैसे होते हैं जो सेल्स जो होते हैं विद मल्टीपल चैम्बर यानी इसमें चैम आ, कोई भी सेल है आपका उसमें क्या है आपको मल्टीपल चैम्बर्स आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे चैम्बर मिल जाएंगे और ये प्रोटेस्टिज एग्जिस्ट करते हैं कहाँ सिंस द कैम्बेरियन पीरियड यानी जो कैम्बेरियन पीरियड है आ, उस आ, उस समय से ये क्या है एग्जिस्ट करते हुए आ रहे हैं अब देन हम बात करेंगे फाइलम सी है ये सी हमारा फाइलम रेडो रेडियो है ये क्या है डेलिकेट होता है एंट्रिएट होता है सिमेट्रिकल होता है क्या होता है डेलिकेट यानी एक तरीके से कहेंगे आ, क्या कहेंगे इसे डेलिकेट का मीनिंग तो देखिए ये इंट्रिकेट होगा डेलिकेट होगा इंट्रिकेट होगा एंड तो मैं बताता हूं आपको डेलिकेट की मीनिंग आ, असली मीनिंग जो आपकी होगी तो डेलिकेट का मतलब होता है गाइस एक तरीके से नाजुक है ना ये क्या होगा एक तरीके से वीक होगा हैं एक तरीके से जटिल होगा क्या इंट्रिकेट का मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होगा कॉम्प्लेक्स होगा ठीक है कॉम्प्लेक्स होगा एर सिमेट्रिकल का मतलब आप समझ ही गए इसमें कुछ सिमेट्रीज प्रेजेंट होगी इंटरनल स्केलेटन की डेटर जनरली मेड अप ऑफ सिलिका ये क्या बने किस बने किससे होते है? तो सिलिका से बने होते है, क्या है सिलिका सिलिकॉन है ना सिलिका से बने होते मोस्टली प्लैक्टोनिक मरीन जो होते हैं आपके क्या होते हैं मोस्टली क्या होते हैं प्लानिक होते हैं मरीन होते हैं एंड रेडियोलेरियस जो होते हैं उनकी जो बॉडी डिवाइडेड होती है किससे तो सेंट्रल कैप्सूल में डिवाइड होती है क्या सेंट्रल कैप्सूल जो कि सेपरेट करते हैं उसके इनर और आउटर जोन को क्या है इनर और आउटर जोन को जो उसके साइटोप्लाज्म

इसमें जो सूडोपोडिया है वो कहाँ है रेडिएट होता है किससे रेडिएट होता है किससे निकलता है सेंट्रल बॉडी सपोर्टेड विद एक्सियल रोड इसमें एक्ज रोड प्रेजेंट होता है जो कि इसको नाम भी दिया जाता है एग्जोपोडिया सेंट्रल रोड या एक्सियल रोड के प्रेजेंट होने के कारण ही uh, क्या है मतलब इसका नाम एग्जोपोडिया जा, दिया जाता है हम बात करें रेडियो लेरियंस की बात करें ये जब डाई मरता है और इसके स्केलेटन क्या होते हैं सेटल हो जाते हैं सी फ्लोर में यानी समुद्र के तल में जाके क्या हो जाते हैं इकट्ठे हो जाते हैं तो एक तरीके से जो एक्यूमलेट इकट्ठा एक होकर क्या बनाते, सी बनाते हैं सी ओज बनाते क्या बनाते हैं सी ओज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेडियो लेरियन जो है अंडर लो पावर ये आपको आपको दिख रहा होगा दिस फॉर्म द सी ओज ये क्या बनाते हैं बाद में जब बैठ जाते हैं तो वो सी ओज बनाते हैं ठीक है तो इस तरीके से इसका वो है फिगर है देन बात करेंगे हम सुपर ग्रुप यूनिकॉन्टा की बात करेंगे क्या बात करेंगे हाइट्रोकॉन्टा नहीं हैट्रोकॉन्टा हमने एलगीम पढ़ा था हम बात करेंगे यूनिकॉन्टा की बात करेंगे यूनिकॉन्टा जो है आपका यूनिकॉन्टा इंक्लूड करता है उन प्रोटेस्ट को जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं किसके फंगई या फिर एनिमल्स के क्या है जो आ, प्रोटेस्ट जो हैं फंगे या फिर एनिमल के क्लोजली होते हैं ज़्यादा क्लोजली होते हैं उन्हें हम क्या है में इंक्लूड करते हैं तो बात करें हम दिस प्रोटेस्ट परफॉर्म टू लार्ज ग्रुप तो ये आ, दो लार्ज ग्रुप को फॉर्म करते हैं पहला है आपका अमीबो जुआ आपका अनरैंक्ड है ये देखिए क्या है इस ग्रुप में क्या है इंक्लूड करते हैं मैनी अमीबा पीसेज जितने बहुत सारे जो अमीबा स्पीसेज हैं वो आपको इसमें मिल जाएगा लोव सेव्ड यानी लोब की तरह जो सेब्ड होता है वो अमीबा हो गया या फिर ट्यूब सेफ्ड भी आपको सूडोपोडिया मिल जाएगा इसमें है अमीबोजोम्स इंक्लूड स्लाइमाउट ट्यूबलेंस एंड एंटा अमीबास ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्लासेज है डिफरेंट डिफरेंट क्लास में इसको क्लासीफाई किया गया है क्लास मैक्सोग गैस्ट्रीडा मैक्सोगेस्ट्रीडा जो है इस ग्रुप में इंक्लूड करें तो प्लाज्मोडियल स्लाइम माउंट डेट ग्रो टू फॉर्म अ मास कॉल्ड प्लाज्मोडियम जो प्लाज्मोडियल स्लाइम माउंट्स है वो क्या करता है ग्रो करता है क्या करता है ग्रो करता है और एक तरीके से मास फॉर्म करता है जिसको हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं विच में भी सेवरल सेंटीमीटर इन डायमीटर क्या है एक तरीके से सेवेल सेंटीमीटर भी आपको मिल जाएगा इसके डायमीटर में आपको काफ़ी सेंटीमीटर बड़ा भी आपको क्या है आ, मिल जाएगा ये देखिए विच इज क्योंकि प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम आपका कैसा होता है गोल टाइप होता है गोल होता है एक तरीके से स्फेरिकल होता है ना तो इस तरीके से होता है विच इज नॉट मल्टी बट मल्टीनिकलेट ये क्या होता है मल्टी सेलर नहीं होता बट क्या होता है मल्टी न्यूक्टेड होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है यानी इसके अंदर पूरे के अंदर क्या है बहुत सारे न्यूक्लियस प्रसेंट होने के कारण इसे मल्टी न्यूक्टेड भी कहते हैं ये फीड कैसे करता है तो सूडियोपोडिया के माध्यम से ही फीड करता है यानी इसके अंदर जो सूडोपोडिया क्या है सूडोपोडिया इसके अंदर जो फीचर है उसके कारण ये करता है फीड करता है बात करें हम वैन इट लैक्स न्यूट्रेंट्स यानी इसके अंदर क्या है न्यूट्रेंट्स की कमी हो जाए तो वो क्या है आ, ग्रो करना बंद कर देते हैं रुक जाते हैं एंड गिव्स आउट फ्रूटिंग बॉडीज और क्या है ये जो फ्रूटिंग बॉडीज इसके अंदर जो हैं छोटे छोटे ये क्या करते हैं उसको बाहर छोड़ देते हैं इस तरीके से यहाँ से फट जाता है विच इज़ फंक्शन इन सेक्सुअल रिपोडक्शन और बाद में इसमें क्या है सेक्सुअल रिपोडक्शन फंक्शन करता है तो कुछ ये इस तरीके से होता है इसमें बात करें हम बी क्या है डाइक्टो स्टेलिडा uh, है ये ये ग्रुप इंक्लूड करता है सेलुलर स्लाइम माउट जो सेलुलर स्लाइम माउट्स होते हैं ये जो आपका था प्लाज्मोडियल स्लाइम प्लाज्डियल था जब हम मिक्सो गैस्टेरिया की बात कर रहे थे क्या प्लाज्मोडियम स्लाइम था इसमें क्या था एक प्लाज्मोडियम टाइप स्ट्रक्चर बनाता है जो कि काफ़ी सेंटीमीटर का हो सकता है इस ये क्या होता है मल्टी न्यूक्टर यानी इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं ठीक है न्यूट्रेंट्स की कमी होने के कारण ये क्या होता था रुक जाता है फटना और जो फ्लोटिंग बॉडीज होती है उसको बाहर निकाल देता है फिर उसके बाद फंक्शन अनदर फंक्शन उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो डैक्टोस्टेलिडा की बात कर रहे थे तो वो क्या होता है सेलर्स स्लाइम माउट्स होता है ये फीडिंग स्टेज पे वो इंडिविजुअली फंक्शन करता है ये सेल बट uh, क्या होता है जब न्यूट्रेंट्स uh, क्या हो जाता है डिप्लेटेड यानी न्यूट्रेंट्स की कमी हो जाती है तो सेल्स क्या हो जाते हैं घट जाता है न्यूट्रेंट तो ये सेल जो होते हैं वो क्या आ जाते हैं एक साथ आ जाते हैं और एक तरीके से स्लग लाइक एग्रीग्रेट फॉर्म कर लेते हैं क्या है स्लग लाइक मैंने बताया कि जब फीडिंग स्टेज पे होते हैं यानी जब उसको भोजन चाहिए होता है हैं खाना चाहिए होता है तो वो इंडिविजुअली फंक्शन कर रहे होते हैं अलग अलग फंक्शन कर रहे होते हैं जब जैसे ही न्यूट्रेंट्स उसमें घट जाता है तो वो सारे सेल्स एक साथ आ जाते हैं और एक तरीके से स्लग बना लेते हैं स्लग गुच्छा टाइप बना लेते हैं एग्रीगेट इकट्ठे हो जाते हैं तो ये फंक्शन क्या है एक यूनिट की तरह काम करते क्या है यूनिट की तरह काम करते हैं मतलब पूरे सेल का क्या है एक यूनिट बना लेते हैं यूनिटी बना लेते हैं एंड देन ये तब तक सेपरेट नहीं होते जब तक इंडिविजुअल सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं क्या होते हैं बट देयर सेल स्टिल सेपरेटेड देयर इंडिविजुअल सेल मेम्ब्रेन ठीक है आ, जब तक इसके क्या है सेल मेम्ब्रेन क्या है अलग ना हो जाए देन देखिए क्या देयर बाय देयर इंडिविजुअल सेल मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय देयर हाँ मतलब इनको अलग किसके कैसे किया जा सकता है तो इंडिविजुअल जो इसका सेल मेम्ब्रेन है उसी के थ्रू अलग किया जा सकता है अल्टीमेटली जो स्लग लाइक एग्रीग्रेट है फॉर्म्स असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज ये जो स्लग लाइक -like जो इस तरीके से बना रखा है अभी देखेंगे हम वो क्या है असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज को प्रोड्यूस करेगा बेस्ट नोन एग्जाम्पल जो है आपका यह है डायक्टोस्टेलियम है डिस्कॉर्डियम क्या है डिस्कॉर्डियम डाइटोस्टैलियम डिस्कॉडियम जो आपका कॉमन स्लाइम मॉडल एग्जाम्पल है जो कि आपको बिकम है मॉडल ऑफ ऑर्गन uh, uh, क्या है ऑर्गेनि फॉर स्टडी यानी हम जब की स्टडी कर रहे हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे देखिए प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड आपका ए ये देख सकते हैं आप ये ये कुछ इस तरीके से होता है ठीक है ये जो ए वाला जो अभी हमने आ, क्या है माइग्जोगेस्ट्रेडा में देखा माइग्जोगेस्ट्रेडा आपका इस तरीके से होता है ये क्या है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियल क्या है स्लाइमोल्ड बनाता है एंड बात करें हम बी का यानी स्लाइम स्लाइमोल्ड की बात करें ये क्या है डाइक्टोस्टैलियम स्टेलिडियम है नहीं स्टेलियम है और uh, डिस्कोडियम जिसे कहते हैं ये इसमें क्या है फ्रूटिंग बॉडी इस तरीके से फॉर्म करती है ये देखिए लंबा एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये स्टॉक कहलाता है ये एंड देन इसके ऊपर एक तरीके से फ्रूटिंग बॉडी बनता है जिसके अंदर से क्या है सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज है ये इसमें से uh, बहुत सारे आपको uh, क्या कहते हैं इंडिविजुअल्स uh, बाहर आते हुए दिख सकते हैं एंड देन बात करेंगे क्लास टेबलेना की बात करने जा रहे हैं हम तो ये क्लास टेबलेना सी है हमारा देखिए दिस ग्रुप मेक्स अ लार्ज एंड वेराइड ग्रुप ऑफ अमीबाज ये क्या है बहुत बड़ा ग्रुप है और एक तरीके से वेराइड ग्रुप्स हैं यानी इसमें वेरिएशन आपको इस अमीबाज में बहुत सारा देखने को मिलेगा इसमें लोब और ट्यूब सेफ दोनों मिलेंगे आपको शूडो पौड़ी होते हुए देखने मिलेंगे uh, मतलब सेव्ड सुडोपोडिया इसमें देखने को मिलेगा एंड बात करें ये प्रोटेस्टिस्ट जो प्रोटेस्ट जो है आपका वाइडली प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर में मरीन इन्वायरमेंट में भी एंड ये क्या है सॉइल में भी आपको मौजूद मिलेगा एंड बात करें ये क्या होते हैं हाइड्रोट्रॉप होते हैं और जो प्रे होते हैं यानी ऑन बैक्टीरिया क्या होते हैं प्रे ऑन बैक्टीरिया एंड अदर प्रोटेस्टिट ठीक है एंड uh, अदर प्रोटेस्टिस्ट प्रे प्रे शिकारी शिकार यानी एक तरीके देन मोस्ट वो नहीं क्या होते हैं यानी क्या होते हैं बैक्टीरिया पे जो भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं या फिर अदर प्रोटेस्टिस शिकार नहीं होते मतलब शिकार करते हैं ठीक है बैक्टीरिया प्रोटेसिस का इसका मे uh, क्या है मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल आपका क्या हो गया अमीबा प्रोएटस क्या है प्रोटियस ठीक है प्रोटियस आप देख सकते हैं ये बचपन में भी हमने देखा होगा इसको अमीबा प्रोटियस को तो ये आपका जो सबसे पहले ये वाला जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस है जब भी हम सेल समझते थे तो हम अमीबा का स्ट्रक्चर देखते थे तो हमें सेल समझ में आ जाता था देन इसमें देखिए क्या ये फूड वैक्यूल है आपका ये आपके जो ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है सुडोपोडिया ये आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये सिकुड़ता भी है और बड़ा भी हो जाता है एंड देखिए ये क्या है एंडोप्लाज्म मिल जाएगा ये बाहर वाला आपका एक्टोप्लाज्म मिल जाएगा बात करें हम डी क्लास आर क्यो अमीबा की बात करें तो ये जो अमीबो जोन्स होते हैं ये क्या होते हैं फ्री लिविंग होते हैं क्या होते हैं फ्रीली लिव कर सकते हैं बात करें इंडिविजुअल ऑफ जीनस एंटा अमीबा की बात करें ये क्या होते हैं पैरासाइटिक होते हैं किसमें तो जो वर्टिव हैं हमारे मेमेलिया वगैरह तो उस पर क्या होते हैं ये Uh, क्या होते हैं पैरासाइटिक होते हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उन पे भी आपके पैरासाइटिक होते हैं क्या एंटा अमीबा याद रखिए एंटा अमीबा दे आर अनयूजल इन हैविंग फ्लैगलेटेड स्टेजेस क्या है ये क्या है एक तरीके से ये फ्लैगलेटेड स्टेजेस में जब होते हैं अपने लाइफ साइकिल में दे आर अनयूजल इन हैविंग फ्लैगलेटेड स्टेज मतलब एक तरीके से अनयूजल होता है इनमें फ्लैगलेटेड स्टेज का होना यानी अपने लाइफ साइकिल में एक तरीके से क्या होता है सिस्ट विथ सेवरल न्यूक्लाई यानी सिस्ट uh, का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें आपको सेवरल न्यूक्लाई देखने को मिलेगा हम बात करें ह्यूमंस में होने वाले ई हिस्टोलाइटिका ये क्या है ह्यूमन में होने वाले जो ई हिस्टोलाइटिक का जो आपका एग्जांपल है पैरासाइट है पैथोजेनिक होता है ये ये काउज़ बाय अमीबा होता है यानी डायसेंट्री विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थाउजेंड्स ऑफ डेथ एंड वर्ल्ड वाइड ये जो डायसेंट्री इससे जो होता है अमीबा से होने वाला एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है थाउजेंड्स ऑफ डेथ यानी दुनिया में होने वाले बहुत सारे हजारों जो डेथ होते हैं ये इसी के कारण होते हैं ये देखिए ये जो आपका है ये एंटामिवा कॉली सिस्ट एंटामिबा कॉली है ये ये क्या है सिस्ट सेवरल न्यूक्लाई सेवरल न्यूक्लाई में आपको देखने को मिलेगा आ, सिस्ट एंड देन देखिए क्या है अ कॉमन ड्वेलर इन ह्यूमन गट क्या है ये आपको नॉर्मली आपको ह्यूमन के गट में देखने को मिल जाएगा हम बात करें एंटामिबा हिस्टोलिका की बात करें सिस्ट की तो दे आर कॉज ऑफ आ, अमीबोक डायसेंट्री क्या है हिस्टोलिका सिस्ट जो है ये क्या है एक तरीके से क्या फॉर्म करता है काउज किसका अमीबोक डायसेंट्री जो बीमारी है आ, उसमें ये आपको देखने को मिलेगा एंड बात करेंगे हम ऑपिस्थो कॉन्टा की बात करेंगे इट इज़ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ यू ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है ये यूक्रोड्स का तो ये इंक्लूड किस किस को करता है तो जो एनिमल हो गए फंगी हो गए एज वेल एज प्रोटेस्ट हो गए डेट आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू फंगई एंड एनिमल देन द अदर प्रोटेस्ट यानी ये अदर प्रोटेस्ट से बात करें इसकी तुलना करें तो ये ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड किससे हैं तो फंगई या फिर एनिमल से ज़्यादा क्लोजिस्ट आपको देखेंगे इन आवर स्कीम वी विल डिस्कस हमारे स्कीम के अनुसार क्या है, हम क्या डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रेड्स डाटा रिलेटेड टू फंगई न्यूक्लियर रेट्स जो न्यूक्लियर न्यूक्र रेट्स है वो क्या है रिलेट करता है फंगई को एंड कॉनोफ्लेगलेट्स जो है वो मोर क्लोजली रिलेटेड करता है एनिमल को ठीक है यानी एक अदर देन प्रोटेस्टेस जो कि प्रोटेस्टेस से बिल्कुल अलग होता है तो देन देखिए न्यूक्लियर की बात करें पहला हमारा न्यूक्लियर रेट्स है तो ये जो ग्रुप है अमीबा का इसमें क्या है फाइलोस मिल जाएगा क्या मिल जाएगा फाइलोसुडोपोडिया यहाँ पे आप फोर्टीन पॉइंट वन में देखेंगे यहाँ पे ए में ये क्या है इसमें क्या है फाइलोसुडोपोडिया आपको इसमें देखने को मिल जाएगा है और जो फीड करता है ये किस पे फीड करता है तो एलगी के ऊपर ये फीड करता है या फिर बैक्टीरिया के ऊपर ठीक है इसमें अगर हम डीएनए डीएनए एनालिसिस देखें तो वो ये सजेस्ट करता है हमें कि जो प्रोटेस्ट है इसके ज़्यादा क्लोजली प्रोटेस्टेस uh, जो है ये वाला न्यूक्लियर रेड वो uh, ज़्यादा क्लोजली है किसके फंगई के हैं सजेस्टिंग दैट फंगई मे हैव अराइज फ्रॉम द सिमिलर एसेंसर या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर रेड्स है uh, इसी से में भी हो सकता है कि फंगई uh, हो सकता है अराइज हुआ हो क्योंकि ये सिमिलर एसेंसटर से आते हैं यानी सेम uh, क्या कहते हैं uh, एक तरीके से अपने पूर्वजों में से आते हैं एंड देन बात करेंगे हम क्वाइन ऑफ फ्लेगलेटा की बात करेंगे बी हमारा क्वाइन ऑफ फ्लेगलेटा है ये स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोटेस्ट है जो कि फाउंड होता है बहुत मरीन और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट दोनों में मिलेगा आपको ये कंसीडर किया जाता है किस तरीके से सिस्टर टैक्सॉन ऑफ एनिमल्स यानी ये जो एनिमल animal है एनिमल्स की क्या है ये सिस्टर से है आ, क्या है कॉन ऑफ फ्लेगलेटा ठीक है याद रखिएगा ये जो ग्रुप है प्रोटेस्ट का ये कहाँ फाइंड होते हैं मरीन और आपको फ्रेश वाटर दोनों में मिल जाएंगे एनवायरमेंट है और इसको सिस्टर टैक्सोन की तरह काउंट किया जाता है एनिमल्स के देखिए क्या दे आर क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स ऑफ स्पॉन्जेस यानी जब हम स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ेंगे पॉरीफरा में पढ़ेंगे पॉरीफेरा में आपको स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा तो ज़्यादा आपको स्पॉन्जेस के क्लोजेस्ट आपको देखने को मिलता है दे आर मोस्टली टाइनी बियरिंग सिंगल फ्लैगलम क्या होता है मोस्टली क्या होता है ये टाइनी होते हैं छोटे होते हैं और बियर बियरिंग सिंगल फ्लैगलम और इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल फ्लैगलम प्रेजेंट होता है सराउंडेड बाय अ कॉलर ऑफ माइक्रोवैली जो कि क्या है कॉलर uh, के थ्रू क्या होते हैं सराउंडेड होते हैं और इसमें माइक्रोवैलीज भी प्रजेंट होते हैं डेट इज सो क्लोजली क्या है डेट इज सो क्लोजली अरेंज डेट इट अपेयर लाइक अ ट्रांसपेरेंट कॉलर और एक तरीके से देखा जाए क्लोजली जो अरेंज किया गया है ये एकदम कैसा दिखता है तो ट्रांसपेरेंट कॉलर की तरह दिखता है एंड एज अपेयर एज अ यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं आ, फिगर फोर्टीन पॉइंट वन पॉइंट क्या है फोर्टीन वन फोर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बी वाला होगा पेट्रोस्पॉन्जिया है ना ये इस तरीके से है ना अफ कॉलोनियल कॉनो फ्लेगलेट ईच सेल है सिंगल फ्लेगलम आप देखेंगे जितने भी यहाँ पे सेल है ये सेल है ये सेल है इसके प्रत्येक के क्या है एक फ्लेगलम आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है फ्लेगलम है क्या है फ्लेगलम फ्लैग लम है ये हैं ये एक सेल है आपका एंड देन देखिए क्या है uh, ये क्लोजली अरेंज होते हैं एकदम किस तरीके से अरेंज माइक्रोविलिट डेट गिवस द अपेरेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट कॉलर ठीक है तो जब ये क्या है इस तरीके से जब अरेंज होते हैं तो इसमें क्या है ट्रांसपेरेंट कॉलर एक तरीके से आपको देखने को मिलता है कॉर्नो फ्लैक्स में भी क्या हो सकते हैं सिंगल सेल्ड हो सकते हैं या फिर कॉलोनियल फ्री हो सकते हैं कॉलोनियल आ, फ्री स्विमिंग एंड अटैच टू द सबस्टेटम बायडर स्टॉक क्या है या फिर कॉलोनियल फ्री स्विमिंग वाले भी हो सकते हैं यानी इस तरीके से कॉलोनी फॉर्म करके कॉलोनी है ये जस्ट अ कॉलोनी है तो कॉलोनी फॉर्म करके क्या है स्विम कर सकते हैं फ्रीली uh, स्विम कर सकते हैं या फिर सबस्ट्रेटम से अटैच होकर सिलेंडर स्टॉक बना लेगा क्या सिलेंडर स्टॉक बना लेगा तो ये वाला जो हमारा uh, जो लास्ट वाला जो क्लासिफिकेशन था ये हमारा खत्म हो गया है एंड ऐसे क्यू टू में आपका क्या है सेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चन जो है आपके इसमें पहला है आपका फिलिंदा ब्लैंक्स देखिए ए तो देखिए क्या इसमें लिखा है प्रोटेस्टिस प्रोटेस्ट विथ मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया आर यूनिक फ्लैगला बिलोंग टू द सुपर ग्रुप तो बताइए कि ये जो प्रोटेस्टिस है जो क्या है इसमें मॉडिफाइड आपको क्या माइटो देखने को मिलता है जो कि और क्या यूनिक फ्लैगला आपको देखने को मिलता है वो कौन से सुपर ग्रुप से बिलोंग करता है बताइए तो ये एग्ज होगा क्या होगा क्या होगा एग्ज होगा ठीक है इसी में आपको क्या है मॉडिफाइड क्या है माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा एंड यूनिक फ्लैगला देखने को मिलेगा एंड बात करें प्रोटेस्टा की तो इसमें क्या है डेट है मेम्ब्रेन इन क्लोज सेक्स अंडर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिलोंग टू द ग्रुप तो ये आपको बताना है जो इसमें मेम्ब्रेन क्लोज सेक्स जो है किस में होता है प्लाज्मा uh, मेम्ब्रेन में होता है तो ये हमने पढ़ा था ना तो किस ग्रुप को बिलोंग करता है बताइए ये? ये तो बहुत आसान है ये क्या है एलवियो क्या है एलविओलेटा ठीक है

अगला है हमारा वाइल्ड डायप्लोमोनाट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं नोनेस क्या कहलाते हैं तो ये माइटोजोम्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं जो डायप्लोमोनाट्स में माइटो रिड्यूस माइट्रोकोन प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं माइटोजोम्स कहलाते हैं ठीक है एनारोब्स होते हैं ये है ना एंड देन देखिए क्या है

एंड देन बात करें हम पांचवा द अमीबाज विद द ट्यूब सेफ्ट सुडोपोडिया आर इंक्लूडेड डैश अलॉन्ग एनिमल एंड फंग अभी अभी हमने पढ़ा बताइए कौन सा होगा जल्दी बताइए तो ऑपिस्थो कॉन्टा होगा क्या होगा ऑपिस्थो कॉन्टा जो है होता है आपका वो क्या है वो उसमें आपको क्या है ट्यूब सेफ सुडोपोडिया मिल जाएगा जो कि इंक्लूड है एक तरीके से ऑपिस्थो कॉन्टा जो कि किसके साथ है फंगी और एनिमल के ज्यादा क्लोजर होता है ना सेम साइज में एंड देख देन देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन आंसर है आपको बताना है वट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनो फ्लेगलेट्स एंड एपी कॉम्प्लेक्सन क्या है डायनो फ्लैगलेट्स और एपी कॉम्प्लेक्सन में आपको डिफरेंस बताना है बता देंगे आप ठीक है आसान है याद रखिएगा डायनो फ्लेगलेट्स में आपका क्या है एक तरीके से बताऊँ इसमें फ्री लिविंग होते हैं ये है और इसमें टू फ्लैगलास प्रजेंट होते हैं है ना और क्या होते हैं ग्रुप भी प्रजेंट होते हैं इसमें परपेंडिकुलर अब बात करें एपी कॉम्प्लेक्सास की तो ये क्या कैसे होते हैं बताइए इसमें क्या होते हैं पैरासाइटिक होते हैं क्या होते, है? होते हैं ये पैरासाइटिक होते हैं और इसमें ये भी पैरासाइटिक मतलब ये पैरासाइटिक होते हैं और किस तरीके का होता है इनमें तो वो इसमें आपको कलेक्शन ऑफ ऑर्गेइज मिल जाएगा देखने को और एक तरीके से फॉर्म करता है एपिकल कॉम्प्लेक्स है ना और पेनेट्रेट करता है ये होस्ट सेल को ठीक है ये चीज़ मैंने बताया था आपको आप देखिएगा खुद से सर्च करिएगा खुद से करिएगा मेन फीचर बताने हैं इसमें यूगलेन जोन्स और बताने हैं क्या है जो कि अलग दिखता है अदर प्रोटोजोन से ठीक है प्रोटोज से अलग दिखता है तो ये आपको बताना है मेन रीज़न क्या क्या हो सकता है तो आप बताइए कौन कौन सा होगा तो यानी इसमें फ्लैगला और पेरेक्सियल रॉड या फिर माइटोकॉन्ड या फिर क्रिस्टाइड क्रिस्टा, जिसमें प्रेजेंट होता है इसके कारण क्या है यूगलेनाजोन्स आप देखिएगा यूगलेजोंस पे जाइएगा और इसमें आप देखिएगा कि वो अदर प्रोटेस्ट से क्यों अलग होता है इसके बारे में आप खुद से लिखिएगा खुद ट्राई करिएगा क्योंकि मेरे पढ़ाने से सिर्फ नहीं होगा मैं आपको बार बार बताता हूँ आप जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा ठीक है देन देखिए क्या है फॉसिल्स ऑफ विच प्रोटेस्ट ग्रुप आर यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक तो कौन सा फॉसिल्स है प्रोटेस्टर्स का कौ, कौन सा ग्रुप है प्रोटेस्टर्स का जिसके जो फॉसिल्स है हम उसके क्या है एज अ क्या है एज ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स भी कहते हैं या मैं कहाँ यूज किया जाता है टू फाइंड द एज ऑफ सेडिमेंटरी रॉक ठीक है सेडिमेंटरी रॉक्स को ढूंढने के लिए यूज किया जाता है तो बताइए कौन सा है तो अभी मैंने बताया था फोरम फोरम करके ना या फिर फाइलम क्या होगा आपका फोरम में फोरमिन फॉरमी फॉर्मनी फेरा हैं सही है बताइए सही है फॉरमनी फ़ेरा ठीक है तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए एंड देन इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस है इसमें आपका क्या पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टिंग फीचर ऑफ क्लास सैरकोजुआ तो सैरकोजुआ में आपके क्या क्या फीचर्स हैं उसको आपको लिखने इंक्लूड करने हैं ठीक है uh, ये आप कर लीजिएगा ठीक है देखिएगा उसमें आपको आ जाएगा एंड देन बात करें थ्री इसमें यूनिक फीचर्स लिखने हैं सिलोफोरा के बारे में तो क्या क्या हो सकता है बताइए है इसमें इंफ्रा सेलर क्या है सीलिया फॉर्मेशन होता है सीलिया आपको देखने को मिलेगा और ये मल्टी न्यूक्टेड भी होता है है और इसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस देखने को मिलता है याद आ रहा है कुछ तो ये चीज़ आप जाइए देखिए और इसको आप करिए एंड क्या है

आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं एंड देन जो इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन है उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे ठीक है गाइज तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आ, क्या है आपने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ऐसे देखा भी होगा पूरा देखा होगा ठीक है तो फटाफट फड़ जाइए इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आप सभी को सबसे पहले मिले एंड देन बाद रही आ, क्या कहते हैं कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें मालूम चले आपकी कोई क्वेरी हो वो भी हम उसका जस्ट आपको रिप्लाई देंगे एंड देन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए क्योंकि एग्जाम का समय है आ, अभी आप है कि वेस्ट टाइम नहीं कर सकते ठीक है तो आपको सबकी हेल्प करनी है अपनी तो करनी है और साथ साथ आपकी सबको हेल्प करनी है जैसे कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ वैसे ही आप सबकी हेल्प करेंगे ठीक है देन मिलते हैं आपको इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय